मैं जा रही हूँ मॉल में. हम आए हैं शिनोक स्टेशन और हम और मैं जा रही हूँ शिनोक मॉल. सामने जो वाइट वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसमें ये हमारा शिनोक मॉल है. अभी काफ़ी लंबा चल रहा है यहाँ से. इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर. फ़ोन्स हो गया, मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे स्टेबल्स में मिलती हैं. अभी यहाँ पर सिग्नल स्टॉप है वॉकिंग का. जैसे स्टार्ट होगा फिर मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊँगी एंड मॉल में एंट्रेंस लूँगी. सिग्नल ग्रीन हो गया है, आई मीन वॉकिंग का स्टार्ट हो गया सिग्नल. अब मैं जा रही हूँ क्रॉस कर रही और ये जो है हमारा शिनोक मॉल है पूरा. और ये एंट्रेंस जा रही है क्योंकि बीच में बहुत चौड़ा डबल रोड है तो वो हम क्रॉस करने के लिए नहीं बनाया है. वो मेन रोड टाइप का रोड है तो इसको क्रॉस करने के लिए इन्होंने ये एक क्रॉसिंग का एक पाथ बनाया है. हम इसके ऊपर चढ़ के फिर इसको क्रॉस करेंगे और मॉल में एंटर होंगे. सिग्नल वॉकिंग सिग्नल स्टार्ट हो गया. मैं जा रही हूँ और यहाँ से एंटर होके मैं शिनोक मॉल में डायरेक्ट निकलूँगी और मॉल के हम फूड कोर्ट में पहुँचते हैं यहाँ से. अगर हमें मॉल के मेन एंट्रेंस से जाना है तो हम उसके लिए गाड़ी में जाते हैं और फिर उसी के सामने मॉल के सामने गाड़ी पार्क करने का पार्किंग है. यहाँ पर काफ़ी खाने के रेस्टोरेंट्स भी हैं और डिफरेंट बिल्डिंग्स भी हैं. रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया उसकी दूसरी तरफ है. एनीवे अब मैं अंदर एंटर हो रही हूँ. थैंक यू. स्ट्रेस जा रही है, ये अपना फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है. अब हम स्ट्रेस से ऊपर आ गए हैं और अब हम ये पार्क जो है क्रॉस करेंगे. ये मेन रोड है, डबल रोड है. यहाँ पे इन्होंने क्रॉसिंग का नहीं बनाया है क्योंकि ये एक तरह से मेन रोड आ रहा है तो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकते इसको, इसलिए उन्होंने ऊपर ये एक पाथ बनाया है. ये तो मेन रोड है पूरा और जो आप सामने देख रहे हैं ये है मॉल की पार्किंग. ये पूरा मॉल जा रहा है, ये पूरा मॉल है वहाँ दूर तक. इसकी इस एक साइड पे, इस साइड पे पार्किंग है मॉल की और ये दूसरे साइड पे पार्किंग है. बस मैं क्रॉस कर रही हूँ. बहुत लंबा बनाया है इन्होंने क्योंकि ये पीछे रोड से होते हुए सीधा वहाँ पे जा रहा है, ये फूड कोर्ट में जा रहा है मॉल के, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा रूट है. ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं. अब फूड कोर्ट मुझे दूर से दिख रहा है. ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये मॉल का मेन एंट्रेंस है. और ये हम फूड कोर्ट में एंटर हो चुके हैं. फाइनली अपनी प्यारी खुशबू आ रही है पूरे फूड कोर्ट में. लेकिन मैं यहाँ पे खाना खा सकती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है यहाँ पे खाने के लिए. वहाँ पे KFC बना हुआ है एंड सब्वे बना हुआ है. KFC एंड सब्वे मैं ऑब्वियसली खा सकती हूँ क्योंकि वो हलाल है. ये सुशी रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट बना हुआ है. आगे तक है जाके, आगे तक मैं आपको दिखाती हूँ जाके पूरा. और अब यहाँ से शॉप्स शुरू हो गई हैं, उस साइड पे भी शॉप्स हैं
और सामने भी है और राइट साइड पे। चलिए पहले राइट साइड पे चल के देखते हैं। अब हम लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं, लेफ्ट साइड पे थी। देखिए ये भी एंट्रेंस है, एलिवेटर जाने का एंट्रेंस है। मॉल के अंदर ये बैंक भी बना हुआ है हमारा। सामने शॉप है फैशन पे, ये मेरी फेवरेट है टू बी ऑनेस्ट। इसमें ड्रेसेस बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं इस साइड पे तो कुछ था नहीं, अब मैं सामने की तरफ जाती देखती हूँ क्योंकि सिर्फ दो चार शॉप्स थी। अब मैं फूड कोर्ट से वापस आ रही हूँ, मतलब फूड कोर्ट की तरफ वापस जा रही हूँ और सामने वाले एरिया में जाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उस तरफ का एरिया कैसा है। पुलिस वाले भी खड़े हुए होते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, कि कोई भी इशू हो तो दे कैन हैंडल इजली। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रही है, आई मीन दो चार स्टेयर्स बन रही थी उनको क्रॉस करके। चलिए देखिए, इन्होंने स्क्रीन लगाई है, अगर आपको मॉल में कोई भी शॉप ढूंढनी हो आप इसमें सर्च करें और ईजली ढूंढ सकते हैं। मैं सामने की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से शॉप्स हैं। आजकल समर्स के ड्रेसेस, शर्ट्स, पैंट, जीन्स सब कुछ बहुत अच्छी आ रही हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है समर बेसिकली यहाँ पे, तो न्यू कलेक्शन आई हुई है हर जगह और काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी आई है। लेवाइस का स्टोर भी है और डिफरेंट स्टोर है, ये जो पीपल्स का स्टोर दिख रहा है आपको, ये ज्वेलरी स्टोर है बेसिकली। अब यहाँ से दो रिश्तेदार हैं, एक इस साइड पे और एक तो पहले साइड पे चल लेते हैं, फिर दूसरे साइड पे तो बाद में जाते हैं दोबारा। यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता भी बनाया हुआ है और ये लेफ्ट है, ये भी एक ज्वेलरी शॉप है। सामने भी यहाँ पे जाता है ज्वेलरी शॉप है जिस साइड पे मैं आई हूँ, तो वो सामने ड्रेसेस की शॉप है, लेडीज़ है आई थिंक के पास ड्रेसेस। जगह जगह उन्होंने रूफिंग है किस तरह की हुई है, जिससे लाइटिंग अंदर आ रही है, सनलाइट अंदर आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरी के सिर्फ डार्क ड्रेस में। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, देखें इन्होंने बीच में एक तरह से स्टॉल तो नहीं कहेंगे बट स्टॉल टाइप का लगा के ज्वेलरी रखी हुई है। ये शॉप है कपड़ों की और गेम स्टॉप, यहाँ पे गेम्स की चीज़ें होती हैं। ये सैलून है, इस यहाँ सब काम ही होता है आई गेस, हेयर कटिंग भी हो रही है और इन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी रखी हुई हैं अपनी। अच्छा आप बिल्कुल इसके सामने देखेंगे, ये चिल्ड्रन प्लेस बनी हुई है, इधर बच्चों के कपड़े और खिलौने सब, शूज़ इनफैक्ट शूज़ भी सब कुछ मिलता है यहाँ पे बच्चों का। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये देखिए ये एक तरह से कॉफ़ी शॉप समझता है, कॉफ़ी शॉप थी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इन्होंने खाने पीने के लिए शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, कपकेक्स, ये सब चीज़ें भी रखी हुई हैं। सामने तो ख़त्म हो गया है, जगह ऐसी नहीं है और यहाँ से भी अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगी, एग्ज़िट है, तो हम इस साइड पे चलते हैं।
बहुत प्यारी खुशबू आती है इसमें से, यहाँ पे से। लेकिन अभी मेरा खाने का कुछ मूड नहीं था तो मैं अभी आगे चलूँगी। ये देखिए, ये टॉय शॉप है, बेसिकली इतने सारे टॉयज रखे हुए हैं। और ये पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न की शॉप है, यहाँ पे तरह तरह के पॉपकॉर्न हैं। ओह, पोटैटो कॉर्न है। फ्राइज, डिफरेंट फ्लेवर के फ्राइज, डिफरेंट साइजेस के फ्राइज, सब कुछ है। ये शॉप कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, सोचिए उसमें जाके देखूँ मैं। ओह नो, दिस वन इज मच बेटर, यहाँ पर जाके देखती हूँ अंदर। मुझे कुछ ड्रेसेस बाहर से ही अच्छे लग रहे हैं तो अंदर जाके देखती हूँ। देखिए, हम जब स्टेयर से ऊपर आए थे तो वहाँ से हमें दो रास्ते दिखे थे, राइट, एक राइट पे जा रहा था, एक लेफ्ट पे। अब हम लेफ्ट वाले रास्ते पे आ गए थे तो अगर हम राइट पे जाते तो वो ये वाला रास्ता आता। अब हम यहाँ से जाएंगे तो एक तरह से दोनों यही कवर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शॉप पे जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मैं देखूँ उनकी प्राइजेस। समर के लिए ये ड्रेस बहुत अच्छे है और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। कॉर्ड्स भी रखे हुए यहाँ पे, आई थिंक सेंटेड कैंडल्स हैं ये। हाँ, सेंटेड कैंडल्स हैं। ये कितना खूबसूरत ड्रेस है और ये रेड भी बहुत प्यारा लग रहा है। कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं ड्रेसेस के। अच्छा सा टॉप है। अब मैं बाहर निकल रही हूँ शॉप से क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं है फिलहाल। अभी जस्ट मैं देखने आई हूँ सामने लिफ्ट से। अभी हम इस रास्ते से जाएंगे बाहर की तरफ। आई गेस मैं सामने की तरफ ही चल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर आगे कोई शॉप नहीं थी, सब खत्म हो चुका था। मैं अभी नीचे नहीं जा रही, अभी ऊपर ऊपर का पूरा देख लें, इसके बाद फिर नीचे जाएंगे। कटा भाई हम परसर पर चलिए, कोई शॉप सर्च करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये सर्च लोकेशन, एंड मैंने सर्च किया एप्पल की शॉप, उन्होंने एप्पल दे दिया और उन्होंने लोकेशन बता दी। मैं लेवल 2 पे हूँ एंड एप्पल की शॉप है लेवल 1 पे, मींस फर्स्ट फ्लोर पे। मैं यहाँ पर हूँ और एप्पल की शॉप नीचे है। अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे तो नहीं, खैर अभी मैं पूरा देखूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी एंड देन फिर मैं आपको एप्पल की शॉप भी दिखाऊँगी। देखिए नीचे का सफोरा की शॉप, यहाँ पे परफ्यूम्स, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग मुझे मिल जाएगा। एंड ये है बैग्स की शॉप और इसमें बहुत क्यूट बैग्स रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत बैग्स दिख रहे, कितने कलरफुल बैग्स दिख रहे हैं। ये ज्वेलरी की शॉप, ये बहुत फेमस ज्वेलरी होती है इसकी, बेसिकली डायमंड ज्वेलरी होती है इनकी, खूबसूरत है और ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत है। ये बाथ बॉम की शॉप, माउंटेन सोप, किताब से है, बाथ बॉम है सारे यहाँ पे, और भी डिफरेंट चीजें हैं, शैम्पूज, बार सोप, हैंडमेड बार सोप, एवरीथिंग है। ये शूज हैं,
अब मैं देखिए इस रास्ते से आ गई हूँ। एक काम करते हैं, अब ये यहीं से नीचे चलते हैं और फिर नीचे का देखते हैं थोड़ा। यहीं से नीचे चल जा रही हूँ मैं। इसी के बिल्कुल बराबर में ऊपर जाने के लिए भी बनाया हुआ है, ये लिफ्ट है। वैसे मैं लिफ्ट पर भी आ सकती थी लेकिन ऐसे जाना ज़्यादा बेहतर था क्योंकि लिफ्ट तो बहुत वेट करना पड़ता है बार बार खड़े होकर। अब यहाँ पर भी यही है, एक राइट पे रास्ता जा रहा है, एक लेफ्ट पे जा रहा है। हम लेफ्ट से जाते हैं और राइट से बाहर निकलेंगे पहले की तरह। चलिए बिल्कुल सामने नीचे ज़्यादातर ड्रेसेस हैं, फीमेल ड्रेसेस हैं लेडीज़ के। ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जेंट्स की शॉप्स देखी थी और यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लेडीज़ की दिख रही हैं फिलहाल इस एरिया में। तो लेकिन शॉप है ये, नेटवर्क कनेक्शन का है शॉप। बेसिकली हमने अपने घर में जो इंटरनेट लगाया हुआ है वो भी शॉप का ही यूज़ किया हुआ है। सारे यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शंस की शॉप्स हैं। आई थिंक मैं दूसरे साइड पे चलती हूँ, दूसरे साइड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बिल्कुल सामने स्टारबक्स की शॉप है। माइकल कॉर्स की शॉप और ये एप्पल की शॉप। एप्पल की शॉप है, अंदर नहीं जा रही मैं किसी भी शॉप के क्योंकि बाहर से इतना क्लियर व्यू आ जाता है कि अंदर जाके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। टिफनी एंड को शॉप है, ये ड्रेसेस की है। यहाँ पे आई थिंक सब जेंट्स हैं। यहाँ हम ऊपर से आए थे रिमेम्बर। चलिए वापस चलते हैं क्योंकि ये एरिया हमने देख लिया। अब हम सामने की तरफ जा रहे हैं और बस अब मैं बाहर ही निकलूँगी मॉल से क्योंकि पूरा मॉल तो देख ही लिया है। देखिए अब जहाँ भी मुझे एक्सिट मिलेगा मैं बस उस एक्सिट से बाहर निकल जाऊँगी। देखिए तो कुछ एड्रेसेस हैं यहाँ पे, ये बैग्स की शॉप है। देख रहे हैं ये कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी आप ले भी सकते हैं, मींस कॉफ़ी बीन्स भी ले सकते हैं और पीने के लिए और कॉफ़ी भी ले सकते हैं। चलते हैं अब बाहर की तरफ कोट सेल, लेडीज एंड जेंट्स दोनों कोट सेल के पास। ये उसकी शॉप है, कॉफ़ी शॉप है बेसिकली। इतनी खूबसूरत शॉप बनी हुई है, मैं चले जा रही हूँ लेकिन मुझे एग्जिट ही नहीं दिख रहा। इस शॉप पे बहुत ज़्यादा
अच्छे कपड़े होते हैं आर्टिजिया पे। जो पर्सनली मुझे ये वाली शॉप भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाना रिपब्लिक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वैसे देखा जाए ना बहुत एक्सपेंसिव है बनाना रिपब्लिक, बट कपड़े ज़ाहिर एक्सपेंसिव है, कपड़े भी अच्छे ही होते हैं। ये देखिए मुझे एग्जिट मिल गया है, अब मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ। शॉप यहाँ से मैं बाहर निकल तो रही हूँ, बट मैं मेन रोड क्रॉस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेन रोड क्रॉस करने का नहीं बनाया हुआ इन्होंने, तो मुझे ऊपर उस क्रॉसिंग पे ही चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं ट्रेन स्टेशन जाऊंगी। और देखिए मैं बाहर आ गई हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं उस वहाँ पर चढ़ती हूँ, क्योंकि मैं आगे तो नहीं जा सकती और मेन रोड उससे पहले है, तो मैं ये रोड तो क्रॉस कर ही सकती हूँ। मैं ये क्रॉस करके सामने जो छोटा वाला रोड आ रहा है इसको क्रॉस करूँगी, देन वो देखें मेन रोड है। और इस रोड को क्रॉस करने के साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक और एंट्रेंस रखा हुआ है इसका, कितना बड़ा था ये क्रॉसिंग का पाथ पूरा। और ये हमारा मॉल है, यहाँ से मॉल स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा जा रहा है और तकरीबन यहाँ पे ये मॉल ख़त्म हो रहा है। बहुत बड़ा अच्छा मॉल है, हम चलते हैं ट्रेन स्टेशन, फिर हम जाएंगे घर। यहाँ से दो स्टॉप दूरी सिर्फ ट्रेन के दो स्टॉप दूरी मेरा घर है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। मैं अभी रेड है, जब वाइट हो जाएगा तो फिर हम क्रॉस करेंगे ज़ेबरा क्रॉसिंग। ज़ेबरा क्रॉसिंग वाइट हो गई है, मैं क्रॉस कर रही हूँ और आप सामने देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि वहाँ पर से खुला हुआ है और सब गाड़ी जा रही है। क्रॉस कर दी इन्होंने, यहाँ पे ये इसका एक और एंट्रेंस रखा हुआ है। लेफ्ट है और ये स्टेयर्स है, मैं चढ़ चढ़ के बहुत चल चल के सॉरी बहुत थक हूँ, तो मैं लेफ्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी खामोशी है, अच्छा हो रहा है। वेट हे चलिए फोन पे चलते हैं, बाय बाय मॉल। सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं, स्टेयर्स आ रही थी कि सारी स्टेयर्स मैं लेफ्ट से आ गई और अब वहाँ पे वापस, इतना खूबसूरत लग रहा है, पूरा ग्लास का बनाया है उन्होंने साइड से ताकि सनलाइट आती रहे, और सनलाइट की वजह से ही ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से तो मुझे नीचे ही उतरना पड़ेगा, देखती होगा यहाँ पर भी लिफ्ट हुई तो अच्छी बात है, वरना मुझे यहाँ से स्टेयर से उतरना पड़ेगा। चलिए ये अच्छा है यहाँ पर भी लिफ्ट है, वरना यहाँ पे मुझे स्टेयर से उतरना पड़ता। ये ग्राउंड पे है, अभी ये फर्स्ट पे आई थी, सेकंड पे आई थी, सेकंड पे आई है, टाइम लगाती है खुल रहा है। अपने ग्राउंड फ्रेश करके मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई हूँ, एक बाहर जाने का रास्ता ये है और एक बाहर जाने का रास्ता ये है,
आज बहुत गर्मी है तो मैं यहीं से बाहर निकल लूँ, थोड़ा सा और अंदर हवा में इसी में वॉक कर लूँ, उसके बाद तो बाहर जाना ही है गर्मी में। खैर ये अच्छा है कि ऐसी जगह जगह पर है, ऐसी बात नहीं है। ट्रेन में बैठूंगी तो वहाँ पे भी एसी होगा, बस में बैठूंगी तो वहाँ पे भी एसी होगा, तो इतना ऐसा नहीं है गर्मी का, ज़्यादा गर्मी पता नहीं चलती। अगर हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं रोड पे तो फिर हमें पता चलेगा, लेकिन ऐसा कोई ख़ास पता नहीं चलता गर्मी का। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करनी है तो मुझे वेट करना है इसका। समटाइम्स तो सिग्नल ऑन होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब खड़े खड़े सकता है, और मेन रोड होता है, डबल रोड होता है, तो उसको क्रॉस होने में या चालू तरह से रोड जा रहा होता है तो उसको सिग्नल को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ट्रेन स्टेशन आएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से टू टू थ्री मिनट की वॉक है बस। ट्रेन स्टेशन आ गया है और वो मेरी ट्रेन नहीं थी, इट्स ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी जाऊँ और जो भी पहले ट्रेन आ रही है उसमें बैठ जाऊँ। अब मैं स्टेशन आ गई हूँ, भी आ गई है मेरी ट्रेन, भी आ गई है, मैं स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फर्स्ट में स्टार्ट में सबसे पहले जाके बैठूँ, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए मैं अभी आगे जा रही हूँ। लेकिन अगर ट्रेन आ गई तो इट्स ओके, जिस भी बॉक्स ब्लॉक पर जगह मिली मैं उसी बॉक्स में बैठ जाऊँगी। चलिए अब ट्रेन आ गई है और अब मैं घर जाऊँगी, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, बाय।